अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन रीवा इकाई के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा करने वालों को सम्मानित किया गया है। संस्था के द्वारा सभी वर्गों को साथ में लेकर समाज सेवा की जा रही है, साथ ही समाज सेवा से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। सम्मान समारोह में सभी वर्ग के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में पदाधिकारियों ने कहा कि वह अपनी क्षमता अनुसार सभी वर्ग को एक साथ लेकर समाज सेवा कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं पदाधिकारियों ने अपने संगठन और समाज को लेकर क्या कहा है। ये हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के प्रमुख चार स्तंभ जो होते हैं, पुलिस प्रशासन, चिकित्सक, अधिवक्तागण एवं पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया है, क्योंकि इनका समाज में जो योगदान रहता है पुलिस प्रशासन का, समाज को एक अपराध मुक्त बना के रखने का, चिकित्सकगण जो कि इस धरती पे भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, अधिवक्तागण जो कि समाज में एक न्याय का कार्य करते हैं, और हमारे पत्रकार बंधु जो कि एक समाज को आईना दिखाते हैं, उन सबके सम्मान में इस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी के द्वारा सबको सम्मानित किया गया है, और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन इसमें उपस्थित रहे हैं। उनके द्वारा सभी अधिवक्ताओं को, चिकित्सकों को और पुलिस प्रशासन के सभी को, पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया है। संगठन ऐसे सम्मानित कार्य जो है वो प्रतिवर्ष करता रहता है, उसी कड़ी में ये कार्य भी रहा। तवणेन्द्र सिंह गहरवार। 2015 में जो हमारे संगठन का ये चैत पक्ष में स्थापना दिवस हुआ, तो उसके बाद हमने एक सबरी सम्मान महोत्सव मनाया था। हमारे क्षत्रिय धर्म और कुल की परंपरा रही है कि हमेशा सभी समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की जो परंपरा पुराने ज़माने में थी, आज भी यह संगठन उस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। हम अपने समाज के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, पत्रकार साथी, पुलिस विभाग और चिकित्सा, न्यायपालिका से जुड़े वकील, आज इनका सम्मान समारोह किया गया है। समय समय पर हम अपना जिम्मेदारी निभाते हुए, हमने संजय गांधी अस्पताल में जब लगा कि आवश्यकता है एक वाटर कूलर गर्मी के समय के लिए, स्ट्रेचर, व्हील चेयर हमारे संगठन की तरफ से सभी साथियों के द्वारा पैसे इकट्ठे करके वहाँ पे डोनेट किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा संगठन, हम व्यापारी वर्ग और अन्य लोगों के पास चंदा करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जितने संगठन के पदाधिकारी और सदस्य हैं, आपस में हम लोग मिल के हर कार्यक्रम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और उसी धनराशि से समाज के हित में काम करते हैं। कभी शासन प्रशासन से आपको सुविधा मिली है? शासन प्रशासन से अभी तक हमें कोई सुविधा तो नहीं मिली है, सहयोग जरूर मिला है, और हम हमेशा अपनी क्षमताओं के अनुसार शासन प्रशासन के भी साथ खड़े हैं और समाज के सभी वर्गों के साथ खड़े हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।